रही है महाराष्ट्र के संभाजीनगर से, जहां देर रात प्रदर्शनकारियों ने बस को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोग मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना में प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया, जिससे एक गुस्साए लोगों ने आगजनी की है। तस्वीरें आप देखिए संभाजीनगर की। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से देर रात प्रदर्शनकारियों ने बस को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोग मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के जालना में प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने आगजनी की। एक बार फिर से मराठा आरक्षण की आग भड़की है। किस तरीके से सरकारी संपत्ति को यहां पर नुकसान पहुंचाया गया है। दरअसल जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको काबू में करने के लिए यहां पर लाठियां भांजी गई, लेकिन कैसे ये आग बबूला हो गए और बसों में आग लगाई गई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तोड़फोड़ की गई है। दरअसल ये बस स्टैंड था जिसमें खड़ी बसों में आग लगाई गई। महाराष्ट्र में आरक्षण पर बवाल मचा हुआ है, सियासत भी हो रही है। इस बीच कर्नाटक के मंडिया में कावेरी नदी के पानी के मुद्दे पर कर्नाटक के किसानों का प्रदर्शन तेज हो गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु को पानी दिए जाने की वजह से उनके सामने पानी का संकट खड़ा हो गया, जिससे नाराज किसानों ने सड़क पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक जाम कर दिया। एक तस्वीर में प्रदर्शनकारी किसान बस के सामने खड़े नजर आए, जबकि कुछ किसान सड़क पर बस के ठीक सामने बैठकर धरना देते दिखे। हालांकि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद काफी पुराना है, लेकिन CWMA यानी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने तमिलनाडु को पानी देने का आदेश दिया, जिसके बाद कर्नाटक ने तमिलनाडु को पानी देना शुरू कर दिया और 2 सितंबर तक उसे हर रोज 5000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देना होगा। लेकिन कर्नाटक के किसानों ने आरोप लगाया कि कावेरी नदी का पानी उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए ही काफी नहीं है, इसीलिए उन्होंने तमिलनाडु को दिए जाने वाले पानी को तुरंत रोकने की मांग की। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की तिकड़ी की काट खोज ली। इसके लिए जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस की यात्रा की, तो वहीं भारत ने आर्मेनिया को अपना खतरनाक पिनाका रॉकेट देने का ऐलान भी कर दिया। मतलब पाकिस्तान और उसके दोस्तों के दुश्मनों से हाथ मिलाकर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया। तुर्की ने पाकिस्तान और अजरबैजान दोनों के साथ अपनी दोस्ती का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भारत ने तुर्की को जवाब देने के लिए पहले ग्रीस से दोस्ती मजबूत की और फिर अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट देने का ऐलान कर दिया। मतलब पाकिस्तान के दोनों दोस्तों के खिलाफ भारत ने बिसात बिछा दी, जिससे पाकिस्तान बौखला गया। यही वजह रही कि भारत के NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आर्मेनिया के NSA से मुलाकात की। दावा किया गया कि भारत ने पिनाका के अलावा भी आर्मेनिया को कई हथियारों की मदद की, जिससे तुर्की का पारा चढ़ गया। और उधर पाकिस्तान की सेना पर एक बार फिर आतंकी संगठन TTP का कहर टूट पड़ा। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक TTP यानी तहरीक के तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में उसकी एक टुकड़ी पर घात लगाकर हमला बोल दिया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 9 जवानों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक उसकी टुकड़ी खैबर पख्तूनख्वा इलाके में गश्त पर थी, तभी वहां सामने से 2 हमलावर एक मोटरसाइकिल में सवार होकर आए और सेना की गाड़ी पर टक्कर मार दी, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हो गया। TTP के इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 9 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल बताए गए। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी TTP ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया था। वहीं कुछ दिन पहले TTP ने ही चीन के नागरिकों पर हमले